Listen friends, before we start the video, please click the subscribe button and also press the bell icon for new videos and new update. Thank you. So guys, मुझे ये video का जो first part होता है intro, मुझे वापस shoot करना है because of पता नहीं वो clip कहाँ misplaced हो गई है, कहाँ चली गई है, मेरे को दिख नहीं रही मेरी file. So मैं वापस यहाँ घर पे बैठ कर intro कर रहा हूँ. तो छोटे से बता देता हूँ scene क्या था. Scene ये था कि मैं और जिनेंद्र normally निकले थे मेरे को जिम के शूट के लिए. तो जिम का शूट हो नहीं पाया क्योंकि उसके लिए फुल ग्लव्स एंड सब चीज़ें चीटियों में लाया नहीं था. तो मैं आज जाऊंगा लेने. एंड सेकंड ये थी कि मतलब मैं जिनेंद्र ऐसे नॉर्मल निकल रहे थे तो जिनेंद्र के पापा को कोई स्लीपर्स चाहिए, मतलब चप्पल चाहिए होगी. तो जिनेंद्र बोलते हैं चप्पल लेने चलते. तो हम मतलब अल्थान वेस्ट में कहाँ मिलते हमको पता नहीं थी. सो गली गली में खो गए थे. सो अब वो कहाँ गए कैसे गए तो अब देख लेना. सो बस ये बात थी. जल्दबाजी में मास्क भी भूल गया और मुश्किल से ये स्लीपर स्टोर मिली एक. ऐसी चीज नहीं देखो ये क्या हो रहे ना. तो दो सौ दस कर दो, बीस कर दो, ढाई सौ कर दो यार. और कितना अब लोग हैं? अरे 280 फिर तो वही बात हो गई. इसमें ना मुझे दो साइज छोटे दो क्योंकि है ना मेरे से मेरे पापा का एक पाव एक वो छोटा लगता है. एकदम बैठा है. साथ ले ले तो तेरे पापा को बताएं तेरे को कितनी आती है. साथ दे दो ये तो मैं पूछ ही लेता हूँ. पूमा पावा लिखा हुआ था वो आपसे लिया और आप पहचान नहीं रहे हो. ग्राहक को बेइज्जती कर रहे हो आप इसके सामने मेरी. भाई इतना उड़मा दे दिया बता. भाई पहचान बता दी मैंने पूरी यार कि यहाँ से लेके जाता हूँ. पहली बार मैंने ये सुना कि प्राइस भी मिलने स्लीपर की चप्पल का नाप नहीं मिल रहा. कन्फर्म मिल गया चप्पल साइज सब पता चल गया. डाउट है अभी ये दुकान मतलब आप महेश्वरी मतलब आप भी भाई अपने गांव के साइड के ही है. मुझे अभी पता चला मैं बोला ना का हूं ये नापा सर का है और वहां पड़ जा रहा था. मुझे पता ही नहीं मेरे को अभी पता चला ये भी. अब तू भाई यहां का बना दे अंदर ये ना अपने सुबह का YouTube चैनल चलाता है. ठीक है तो आपकी मैंने सोचा मैंने इसको बोला कि आपका गांव है ना मतलब आपकी जो दुकान है ना वो फेमस कर देगा सूरत में. मतलब कोई इंसिडेंट देखा गाइस मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे ये शॉप जो है महेश्वरी है और ये अंकल भी मुंडड़ा है. नॉर्मल जनरली बात करते करते पता चला कि ये अंकल भी मुंडड़ा है. अरे नहीं दिक्कत मतलब वैसे कुछ नहीं. मुझे बताओ आपको लगता है कैसे भी लॉकडाउन लग रहा है. देख के मैं करके बताऊँ. हेलो गाइस गुड मॉर्निंग. एक्चुअली कल रात को बहुत लेट हो गया था. आई गेस कुछ 7:30 या 8 बज गए थे. मैं घर पर आया था. सो बाद में अंधेरा हो गया और मैं आउटो नहीं कर पाया था. सो मैं अभी आउटो कर रहा हूँ मतलब सुबह सुबह. और ब्लॉग भी आप अभी देख रहे होंगे मतलब कुछ आई डोंट नो कितने बजे देख रहे होंगे.
एंड एक बात थी और एक बात बस, अभी जो नेक्स्ट व्लॉग है वो भी एक नेक्स्ट दो तीन व्लॉग अच्छे आने वाले हैं, और वो किसके ऊपर आने वाले हैं हिंट तो मैं नहीं दे सकता, एक तो हिंट दे दिया मैं जिम के ऊपर है, दो और है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, और एक उसमें से आपको बहुत काम आने वाला है, सो वो मिस मत करना, वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, तो जैसे ही आएगा आपके पास पहुँच जाएगा। एंड ये चप्पल जो था वो सडनली एकदम क्विक में बना था, कोई इंटेंशन नहीं था ये ब्लॉग बनाने का, बट मैं सोचा ऐसे ही, और हाँ कुछ चीज़ें इसमें मैंने बताया चीज़ें थोड़ी सी अलग की है, आई एम ट्राइंग टू डूइंग, मैं कुछ नई नई चीज़ें ऐसे ट्राई कर रहा हूँ एडिटिंग में करने या कमेंट्री में या कुछ शॉर्ट में, मैं धीरे धीरे मतलब बोलते हैं ना अपडेट कर रहा हूँ चीज़ें, सो अच्छी लगी थी हो तो मेरे को बताना, और कुछ प्रॉब्लम हो वो भी मुझे बता देना, उसको सही करूँ। एंड बस इतनी बात थी, कुछ बहुत छोटा था मेरे को पता है, बट आपको अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड बट ये दोनों नहीं करो तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। मैं अब मिलूँगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी मैं बोलने हिम्मत नहीं है, आँख मेरी एकदम बंद है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ मैं, तो बस गाइज बाय बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू माई नेक्स्ट व्लॉग।